सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। या तो वक्त बदलना सीखो या फिर बदलो वक्त के साथ। मजबूरियों को कोसो मत, हर हालात में जीना सीखो। मजबूरियों को कोसो मत, हर हालात में जीना सीखो। आज का पंचांग 7 अप्रैल 2021, दिन बुधवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात्रि 9:29 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 3:33 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:29 से 2:07 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मकर राशि पर 3:00 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 7 अप्रैल 2021, दिन बुधवार, आज के दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आज आपके अंदर परोपकार एवं दान पुण्य की भावना बढ़ने लगेगी। आज विश्वास के बल पर किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। आज आपके पुराने रुके हुए कार्य को पूरा करने के लिए दिन उत्तम है, लेकिन आपको अपने आलस्य को छोड़ना होगा। शत्रु आपके पराक्रम को देखकर हतोत्साहित नजर आएंगे। व्यापार के लिए बनाई गई नई योजनाओं पर आज काम शुरू हो सकता है। आज आपका आत्मविकास शिखर पर रहेगा, उसका पूरा लाभ उठाएं। आप अपने आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे। हो सकता है कोई आपसे प्रभावित होकर कोई अच्छा सा अवसर प्रदान करे जिसे आप बिल्कुल खोना नहीं चाहेंगे। आज के दिन आपके लिए खुशी और संतुष्टि भरा रहेगा। ये दिन आपके लिए बड़ी सफलताओं वाला भी है। ये सब आपके धैर्य, इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। ये समय आपके लिए जश्न मनाने का भी है। देर किस बात की है, अपने दोस्तों को बुलाइए और मजे कीजिए। लंबे समय से चली आ रही अपनी बीमारी का इलाज अपनी मुस्कान से करें, क्योंकि यह सभी परेशानियों की सबसे कारगर दवा है। आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं। आज ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रयास करेगा। क्या आपने कभी गुलाब और केवड़े की महक को एक साथ महसूस किया है? आज आपकी जिंदगी प्यार मोहब्बत के नजरिए से ऐसे ही महकेगी। व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। व्यवसायियों के लिए अचानक की गई कोई यात्रा सकारात्मक परिणाम भी देगी। आज लोग आपकी वह प्रशंसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे। आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है। जहाँ तक संभव हो बात को बढ़ने ना दें। सावधानियाँ, आज आपको अपनी सेहत का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना होगा। आज पैसों का लेन देन करते समय थोड़ा सावधान रहें। आज पैसा कहीं ज्यादा खर्च भी हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। तत्काल पैदा हुई गलतियों व विवाह से आज आपको निराश होगा। इन निराशा भरे विचारों को झटक दें, क्योंकि यह एक छोटे समय के लिए है। आपका कर्तव्य है कि सांचित हो व विवाद में ना उलझें, क्योंकि विवाद से आप दोनों के बीच की निराशा एवं दूरियां ही बढ़ेगी। आप अपने विचारों को अपने साथी के समक्ष रखें। रोमांस से भरपूर जीवन में आज आप शांति दूत बनकर घरेलू समस्या से उत्पन्न उदासी को दूर करने में सक्षम रहेंगे।
केवल आप ही अपने रिश्तों में छाए उदासी को दूर कर सकते हैं। अपने सही सोच के कारण ही आप समस्या को दूर करें। दूषित वातावरण को शीघ्र ही फिर से सामान्य बनाएं। यदि इसके लिए आपको अपने साथी से दूर होना पड़े तो भी उचित है। बात करते हैं करियर की। आज का दिन व्यापारिक कार्यों से संबंधित अड़चनों को दर्शाने वाला भी रह सकता है। आज कार्य क्षेत्र में कोई समस्या लगी रहेगी, किसी मशीनरी खराबी के चलते काम बाधित हो सकता है। इसके चलते किसी प्रकार से कोई आर्थिक क्षति की स्थिति भी देखी जा सकती है। नौकरी वर्ग में कर्मचारी किसी न किसी विवाद में फंस सकते हैं, तो सतर्कता बरतें एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करें। हालांकि कुछ जातकों को आज करियर में लाभ भी हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। नेत्र संबंधित कोई भी परेशानी देखी जा सकती है। हल्का आहार लेना लाभकारी होगा। रात्रि भोजन के पश्चात सैर करने की आदत डालें। आज का उपाय। आज अब गणेश भगवान जी को हरी मूंग का मोदक बना के भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।